Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of a lesson environmental management and today's topic is ecosystem. तो ecosystem का ये जो chart है उसके बारे में हम detail में study करने वाले हैं. हमने देखा था कि ecosystem में दो important component होते हैं. First one is abiotic component and दूसरा है biotic component. First हम abiotic component के बारे में study करते हैं. Abiotic component में दो important factor होते हैं. First factor होता है फिजिकल फैक्टर एंड सेकेंड वन है केमिकल फैक्टर. अभी हम पहले फिजिकल फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे. तो फिजिकल फैक्टर में आते हैं एयर वाटर वेपर मिनरल्स सॉइल एंड सनलाइट. अभी यहाँ पे केमिकल फैक्टर में आते हैं न्यूट्रिशंस. पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन अ वेरियस स्टेट ऑफ साउथ इंडिया. पैडी यानी कि जो राइस का फील्ड होता है खेत होता है उसे पैडी कहते हैं. पैडी फील्ड आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय अ ग्रास ओवर. तो यहाँ पे जो ये जो पैडी का फील्ड होता है उसके ऊपर बहुत सारे ग्रास ओवर्स होते हैं, वो अटैक करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका फूड है ग्रास, तो वो ग्रास खाने के लिए ग्रासोफर उसके ऊपर अटैक करते हैं. पर ये ग्रासोफर को कंट्रोल करने के लिए वहां पे फ्रॉग होते हैं और ये जो फ्रॉग होते हैं उनको फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है. तो यहाँ पे फूड चेन कैसी बन गई कि पैडी यानी कि जो राइस के जो प्लांट्स है दैट इज इटन बाय ग्रासोफर. ग्रासोफर इज इटन बाय फ्रॉग. फ्रॉग इज इटन बाय स्नेक. तो इस तरह से ये फूड चेन कंप्लीट होती है. हाउएवर इफ फ्रॉग्स पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑल ऑफ सडन, अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन सडनली कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्नेक को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा और स्नेक के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है. और अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो गया तो ग्रासोफर का नंबर भी बढ़ सकता है. यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज. तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर फ्रॉग का नंबर किसी भी सर्टन वजह से अगर कम होता है तो स्नेक का नंबर कम हो जाएगा और ग्रासोफर का नंबर बढ़ जाता है. व्हाट विल बी ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम? तो ये इकोसिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट हो जाएगा कि ग्रासोफर का नंबर बढ़ जाता है और स्नेक्स का नंबर कम हो जाता है, तो स्नेक को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है. तो इस तरह से हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है. और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर देखते हैं. अ बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट ऑन अ ट्री फीड अपॉन द फिशेस इन अ नियर बाय पॉन्ड. वेदर दिस बर्ड्स इज अ पार्ट ऑफ बोथ दैट इज द ट्री एज वेल एज पॉन्ड इकोसिस्टम. तो इसका आंसर है येस, बिकॉज यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बर्ड है वो ट्री पे रहता है बट उसको जो फूड चाहिए उसके लिए वो डिपेंड्स ऑन द पॉन्ड. जो पॉन्ड है उसके अंदर जो फिशेस होते हैं तो उसके ऊपर वो डिपेंड होता है. तो ये दोनों भी इकोसिस्टम का पार्ट है, यानी कि ये जो ट्री है उसका भी पार्ट है एंड वो यानी कि ट्री के लिए वो शेल्टर के लिए वो ट्री का इस्तेमाल करता है एंड फूड के लिए पॉन्ड का इस्तेमाल करता है. तो दैट बर्ड इज अ पार्ट ऑफ बोथ द इकोसिस्टम. यहाँ पे वो किस तरह से काम करता है, ये जो पॉन्ड है वो पॉन्ड के अंदर होने वाले जो फिशेस है वो फिशेस को खाके उनका नंबर कंट्रोल में रखता है, ताकि क्या होता है कि फिशेस के नंबर ज्यादा बढ़ते भी नहीं है और ये जो फूड है ये बर्ड है उसके लिए फूड भी अवेलेबल हो जाता है. तो इस तरह से हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है. अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.